हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोल माल गोल माल गोल 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 माल अस्पताल, गोल माल अस्पताल। मतलब ये कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ ही नहीं है? ये सारा आपके दामाद जीवन ने आपको सबक सिखाने के लिए ऐसी भयानक चाल चली? वो क्या है कि मुझे दो हफ्ते से लगातार खांसी हो रही है। अरे आपको टीबी क्या, ETBTCTDT पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने की संभावना है। क्या है कि इनके सैंपल ले लो, लैब में भेज दो, ताकि पता चल सके इन्हें कौन कौन सी बीमारी है। क्या है, कौन कौन सी बीमारी? आप पेशेंट हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? डॉक्टर हूं मैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। शक्ल देख के बता सकता हूं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। आइए मेरे कैबिन में चलिए, मैं वहीं आपको चेक करूंगा। कैबिन? मगर मैं कैबिन में क्यों चलूं? तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे सिटिंग एरिया में मैं आपको चेक करूं? अरे अंदर रूम में करूंगा ना, अपने कैबिन में। चलिए। नहीं नहीं, लेकिन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा इलाज चल रहा है। आपका यहाँ इलाज चल रहा है? कहाँ? यहाँ। यहाँ? हाँ। कौन कर रहा है? अच्छा, वो पिंटो? नहीं नहीं नहीं, पिंटो तो जूनियर डॉक्टर है ना, मेरा इलाज सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर? हाँ। मेरे होते हुए मुझसे सीनियर भी कोई डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में और मुझे ही को पता नहीं है? मैं पता लगाता हूं कौन है वो, कौन है वो जो इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बेवकूफ बना रहा है। उसके कान के पास ऐसा आलाप लूंगा कि उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे मालूम है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मगर ज्यादा गुस्सा मत करो, शॉक लगा देंगे। कौन हो तुम और मेरी कुर्सी पे क्या कर रहे हो? तेरा बाप? आप नहीं, तेरा बाप। अरे आप तो बाप नहीं, आप तो पाप हैं। है क्या? अब मतलब ससुर जी हैं, लेकिन आप डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हैं। आप ये सीनियर डॉक्टर का नकली भेष बदल के उस बेचारे पेशेंट को उल्लू क्यों बना रहे हैं? कैसे फ्रॉड है ना आप। अबे गवाइये, ये फ्रॉड नहीं, धंधा है, धंधा। रियाज के नाम पे कराने और गला फाड़ने की जगह अगर तूने अपना काम किया होता ना, तो कसम कांटे की हमें सब करने की जरूरत नहीं थी। जैसा भी हूं मैं, जैसा भी हूं, लेकिन आपको मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरी कुर्सी पे बैठ के मुझे बदनाम करने का कोई हक नहीं है। तेरे नाम में है ही क्या बदनाम करने को? अरे तेरे नाम ही सिर्फ जीवन है। जब से मेरी बेटी से शादी की है ना, तूने मौत बन गया है तू मेरे लिए। कसम कांटे की करोड़पति से रोडपति बन गया हूं। और अब बचा ही क्या है देखने को? हैं? हैं? बाबूजी, टट्टी। अगर आई है तो जाओ टॉयलेट में करो, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, वो पेशेंट का स्टूल का सैंपल मिल गया। है? अरे मैंने कितनी मेहनत की है बाबूजी, ये स्टूल के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। सैंपल उसने दिया, मेहनत तुमने की? अरे मिल गया टट्टी का सैंपल, मिल गया हम पे घर कोई जल गया। कुक जलने दे, कुक जलने दे। अरे घूर रहा।
टट्टी है, कोई अमृत थोड़ी है जो मुंह में डाल देगा। अच्छा सुन, एक काम कर, ये सारे सैंपल जो है ना जा करके लैब में दे, अपने कमीशन की बात कर लेना। वो तो पहले, हाँ उनसे ये कहना कि भले सारे सैंपल कचरे में फेंक दें, हाँ लेकिन रिपोर्ट में ना कोई बहुत भयानक बीमारी लिख के, ताकि जो है लंबा चौड़ा बिल बन सके। हैं हाँ, ये बाबूजी इस बार कोई फैंसी बीमारी पे चले। हाँ कैंसर कैसा रहेगा? हाँ कैंसर ठीक है, वो भी थर्ड स्टेज रखते हैं। हाँ पिंटो कमाल है। वैसे ये थर्ड स्टेज का जो कैंसर है, हमारे हॉस्पिटल में इसका इलाज कौन करेगा? तेरा बाप। वाह रे मेरी बहुत, पहली बार जो है ना इसने एक सही सलाह दी है। अब पिंटो एक काम करना कि उसको बोलना ना कि रिपोर्ट में कोई छोटी मोटी बीमारी लिखे, जिससे कि हफ्ते दो हफ्ते का बिल बन सके। ऐसा करना है? ठीक है चलिए, डन 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 डन। कैसे हो यार आप लोग, कमाल हो लेकिन, मतलब कैसे सोच लेते हो? हाँ मतलब दिमाग में आते कैसे आइडिया? इट्स नॉट इजी यार, नॉट एट ऑल, सो इनोवेटिव यार। और एक नहीं मतलब दोनों के दोनों, आप दोनों मतलब एक नंबर के, अव्वल नंबर के फ्रॉड हो। हाँ हाथ पीछे करो, ऐसे ऐसे कैसे करो, अरे, करो अरे क्यों लेकिन स्टैचू। ओवर। अरे हाँ तुम दोनों इसके लायक नहीं हो। अरे स्टैचू मुझे क्यों? नहीं 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 अब नहीं, अब मैं इस घर में रह ही नहीं सकता पक्का। अरे ये घर नहीं है, सर्कस है ये। सर्कस नहीं, ये तो पागल खाना है। नहीं 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 पागल खाना नहीं है, ये तो नरक है। यस नरक है ये, इस घर में नहीं रहूंगा मैं जाऊंगा, मेरा सामान कहाँ है? जीवन हाँ। जीवन हाँ। अरे क्या हो गया तुमको, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मैंने ना एक नई किताब पढ़ी है, उसकी जो हीरोइन है ना वो बहुत वीर है, उसकी आवाज में वजन है, वजन। बाप रे, नई किताब यानी कि नई रेसिपी, नई रेसिपी की यानी कि घर का और राशन बर्बाद, यानी कि मुझे पक्का वीरगति को प्राप्त होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, अच्छा मैंने उस जमाने की ना एक डिश बनाई है, खा के बताओ कैसी बनी है? है? उस जमाने की डिश? हाँ। क्या डिश है ये? ये? हाँ। ये उस जमाने की लग रही तुमको? हाँ। अरे तो नूडल्स हैं, उस जमाने में नूडल्स हुआ करते थे क्या? हे भगवान, ऐसा करो ये ना ये डिश तुम अपने पूज्य पिताजी को खिलाओ, ठीक है? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम छोड़ के जा रहे हो? हाँ। अर्थात तुम भाग रहे हो, अर्थात हम एक भगोड़े की पत्नी है, अर्थात तुम इस साम्राज्य को दुश्मनों के हाथ सौंप दोगे, तुम अपनी प्रजा को दुश्मनों का गुलाम बनने दोगे? नहीं नहीं हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ हाँ ये उचित है। अरे बाप रे, नहीं नहीं ये तो माया क्या कर रही हो माया? ऐसे भगोड़े की पत्नी होने से अच्छा है किसी योद्धा की विधवा होना। आक्रमण! नहीं 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 माया रुको रुको, देखो इसके अंदर ना इसके अंदर जंग लगा हुआ है, अगर मैं वार से नहीं मरा तो पक्का सेप्टिक से तो मर ही जाऊंगा। ऐसे जीवन से अच्छा है मौत, मौत को गले लगाओ या मुसीबतों का सामना करना सीखो, दुश्मन को निरस्त करो और शह पे मात दो। जय भवानी। करेंट जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अरे बाप रे, ओह गॉड, इसमें तो भूत आ गया। लेकिन उस बेवकूफ कबाड़िए की भोली बेटी कभी कभी काम की बातें भी करती है। हाँ बात तो इसने समझदारी की है।
लगता है मुझे उस कबाड़िए को उसी के खेल में मात देनी होगी। यस जीवन, दरवाजा खोलो ना, जा कह रहे हो तुम? अब मैं तुम्हारे पिताजी को उन्हीं के खेल में शय और मात देने जा रहा हूं। यस तुमने बहुत समझदारी का काम किया जो तुम यहाँ के एडमिट हो गए। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको कुछ नहीं होगा। अरे तुमको ना यहाँ पर एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि ये अस्पताल है। हमको भी नहीं लगता है। और आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग डॉक्टर हैं। और तुम मरीज हो। अच्छा बस इतना ही? अच्छा अरे वही तो कमाल है इस जगह का कि जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं होता है वो दिखाया जाता है। अब ये सीनियर डॉक्टर है कबाड़ी और ये MBBS है झोला छाप और आप सबसे बड़ी बात आप भी मरीज नहीं है लेकिन इन दोनों ने आपको फंसाया है, पैसे ऐंठने के लिए आपको एडमिट किया हुआ है। पता है? है अरे कर लो बात, इसको पता है। मुझे सब पता है। हाँ? आपको पता है कि इन दोनों ने आपको फंसा कर यहां पे एडमिट किया है तो फिर आप यहाँ पे मरीज होने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? कहीं आप इन दोनों की तरह फ्रॉड तो नहीं है? हाँ, मैं भी फ्रॉड हूं। इतनी आंखें मत मारो, तुम लोग काने हो जाओगे। अरे जब मैंने आपको सच्चाई बता दी है कि दोनों डॉक्टर नहीं है फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे भाग जाइए इस हॉस्पिटल से, ये दोनों मिलके आपको भिखारी बना देंगे। चलिए निकलिए। डॉक्टर साहब सुनिए। हाँ? मैं पेशेंट नहीं हूं, मैं सीक्रेट मिशन पे आया हूं। मेरा सीक्रेट मिशन आपको बाद में पता चलेगा। अब आप जाइए और आराम कीजिए। ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, ये अब आप जाइए और आराम कीजिए। ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, ये डॉक्टर जीवन कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। खाने को नहीं पूछ रहे हैं, कॉफी तो दे ही देंगे। हम पूछ रहे हैं खबर के बारे में, किसी सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पेशेंट, किसी की खबर चाहिए कुछ? इस खबर के बदले में क्या देना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो चिरकुट पेशेंट जो है ना वो यहां से चला जाए। ठीक है, डन डील। बोलो। हाँ तो हम सुने कि वो पेशेंट ने बहुत बेइज्जती की आपकी। बेइज्जती तो मेरी हुई, तो मैं तो वहां था ही। तो जब
मैं इस खबर के बारे में जानता हूं तो फिर ये बेइज्जती को रिपीट करके तुम मेरी बेइज्जती को अंडरलाइन क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, जरूरत नहीं हमें करने की, वो तो आप अपनी बेइज्जती खुद करा लेते हैं। मतलब खबर ये है कि उस पेशेंट ने आपकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके कबाड़ी ससुर और वो कबाड़ पिंटू, उन दोनों ने मिलके उस पेशेंट के कान आपके खिलाफ भर दिए थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कौन आप? अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि मैं डॉक्टर हूँ। ये कौन है जो सुबह से करा रहा है, कोई पेशेंट है क्या? अब क्या बताएं आपको? नहीं बताइए बताइए, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। ये पेशेंट नहीं है, मेरा दामाद है। अच्छा। मेरी इकलौती बेटी का इकलौता पति पागल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। ये हॉस्पिटल देख रहे हैं ना? हाँ। उसको देख करके वो अपने आप को MBBS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बताने लगा है, मुझे कबाड़ी वाला। अरे इनका तो फिर भी ठीक है, इनका दामाद है तो इनको सहन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या है? मुझे वो झोला छाप डॉक्टर बोलता है यार, बोलता है कि मैं MBBS हूं ही नहीं। अच्छा आप सुबह से यहाँ पर हो, आपको किसी भी एंगल से ये लगा कि ये असली डॉक्टर नहीं कबाड़ी है? आपको कहीं से भी ये लगा कि मैं असली डॉक्टर नहीं नकली डॉक्टर हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो दोनों असली डॉक्टर नजर आ रहे हैं। देखो देखो, अगर कभी भी ना आपको जीवन परेशान करे ना तो उसका बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ और मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो अपने से मतलब है। सच्ची? हाँ। कसम काटे की? काटे की? अरे नहीं, प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। बस बस बस। है? अरे कर लो बात, इसको पता है। मुझे सब पता है। हाँ? कहीं आप इन दोनों की तरह फ्रॉड तो नहीं है? मैं भी फ्रॉड हूं। उस कबाड़िए और उसके असिस्टेंट ने मुझे पागल करार करने की कोशिश की है ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी जीवन है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना कि दोनों के दोनों इसी अस्पताल में अपना दम तोड़ देंगे। हाँ। जीवन छीन लीजिए उनका। हाँ, जीवन ही छीन लूंगा दोनों का। हेलो मरीज, पकड़ो इसे, फॉर्म भरो। देखिए मैडम, मेरा नाम मरीज नहीं, मेरा नाम खैराती है। खैराती से अच्छा तो मरीज ही है, समझे? और जब डॉक्टर को डॉक्टर बुलाते हैं, नर्स को नर्स बुलाते हैं, तो मरीज को भी मरीज ही बुलाएंगे ना। चल चुपचाप ये फॉर्म भरो, 50,000 रुपए डिपॉजिट करो। 50,000 रुपए? वो किस लिए? हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर तुम मर गए, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, तो हम तुम्हारा इलाज बंद कर देंगे ताकि हमारे हॉस्पिटल को नुकसान ना हो। पर तुम तो आधे इलाज में टपक लिए, हाँ? तो उसका पैसा कौन भरेगा, तुम्हारा डैडी? मतलब मैं मरने वाला हूँ? पुराने चावल हो, कभी भी लुढ़क सकते हो। मगर मैं 50,000 क्यों दूं? देखिए, मेरे पास कैशलेस मेडिकल पॉलिसी है, मैं अपना मेडिकल पॉलिसी का नंबर दे देता हूं, आपका ये हॉस्पिटल जो है उसकी लिस्ट में होगा ना। पागल हो गए हो क्या? हमारा हॉस्पिटल हमारी लिस्ट में नहीं है, गूगल मैप पे नहीं है, तो तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी की लिस्टिंग में क्या खाक होगा? चुपचाप फॉर्म भरो वरना कहीं और जाके मरो। क्यों नाराज हो रही हैं आप? मैं आपको नर्स नहीं, सिस्टर कहूंगा। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, नर्स तुम्हें सूट भी नहीं करेगा। और मैं तो कहती हूँ मुझे सिस्टर नहीं, तुम डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर, समझे? चल चुपचाप ये फॉर्म भरो वरना मुझे समझ गया कि ये कहीं और जाके मरना पड़ेगा। लेकिन आप कमाल की बात कर रही हैं। अरे 50,000 क्या मैं जेब में लेकर घूम रहा हूँ क्या? क्यों? जब जेब में बीमारी लेके घूम सकते हो तो 50,000 रुपए लेके नहीं घूम सकते? अरे तुम्हें क्या यहाँ पेशेंट भगाने के लिए रखा है क्या? देखिए मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास ATM कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, जाके निकलवाने पड़ेंगे। तो जाओ लेके आओ। अरे कमाल, जाओ लेके आओ, मैं पेशेंट हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों, यहाँ पे आ सकते हो तो जा नहीं सकते? ओ यार,
अरे यार कोई है यहाँ पर, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा? एक काम करो, हाँ। मुझे अपने डेबिट कार्ड का पिन बता दो, मैं सिंघानिया को भेज दूंगी, वो तुम्हारे पैसे निकाल लाएगा। जाओ फिर लेके आओ। अच्छा ठीक है ठीक है, आप किसी को भी भेजो, लेकिन मैं अपना पिन कार्ड बोलूंगा नहीं, लिख के बताऊंगा। पता क्यों? क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, के भी चोरी हो सकती। ठीक है लिख दो। डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि इसमें का टूट फूट है? एक्सरे, एक्सरे मतलब अपने हॉस्पिटल में पेशेंट आया था? चीटिंग बाबूजी, ये आपने बात मुझसे कही नहीं। चुप। अरे ये एक्सरे हमारे कबाड़ में से निकला है। हाँ अच्छा, तुम आंधी की तरह रेड मारने इसलिए आए थे कि तुम हमें एक्सरे देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लो? कसम कांटे की भूल गए ये अस्पताल मेरा है। नहीं नहीं ससुर जी, मेरा मतलब है सर जी, मैं तो आपको ये बताने आया था कि वो लैब वाले ने खैराती के रिपोर्ट्स देने से मना कर दिया। क्या? हाँ बोल रहा है कि पहले पुराना हिसाब चुकते करो, उसके बाद रिपोर्ट मिलेंगी। हाँ तो दे दो। हाँ तो दे दो। पैसे, पैसे देने की बात हो रही है। मैं भी पैसे देने की बात कर रहा हूँ। कहाँ से देंगे पैसे? अरे खैराती से जो 50,000 रुपए एडवांस मिले हैं ना, हाँ उसी में से दे दो। इन्वेस्टमेंट, इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ इसी से तो खैराती से लाखों रुपए कमाएंगे है। आ, बात है बाबूजी, क्या भेजा पाया है आपने। अब जाओ दौड़ के जाओ और रिपोर्ट लेके आ जाओ। ओके बाबूजी। सोच रहा हूं माया को कंप्यूटर सिखा दूं, घटिया खाना बना करके राशन वैसे ही बर्बाद करती है। कंप्यूटर सीख जाएगी तो फिर नकली रिपोर्ट हम यहीं पे बनवा लेंगे। वैसे भी हमको असली की जरूरत कहां है। झोल झाल झोल।